मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था होल नंबर्स, जिसके बारे में हम कल पढ़ भी रहे थे। हमारा एक्सरसाइज 2.3 चल रहा था, जिसमें हमने आपको होमवर्क दिया था फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, जो कि बेस था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। वो हमने पढ़ लिया था। आज की हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपनी बुक्स एंड नोटबुक अपने ओपन कर लीजिए, आगे की चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो लोग बुक्स एंड कॉपी नहीं परचेज किए हैं वो कर लें। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करती। ये नहीं कहता कि आप किसी भी दो होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका होल नंबर ही है। अगर जैसे मान लिया मैंने 17 डिवाइडेड बाई 5 लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 17/5। और यह 17/5 क्या एक होल नंबर है? नहीं है। तो इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में फॉलो नहीं करती। फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्यूमुलेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपका फॉलो। मीन्स ये जो चारों प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपका सॉल्व नहीं करता डिवीजन को। फोर प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाई जीरो। किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड करते हैं डिवीजन बाई जीरो, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता नहीं है। कोई भी आंसर डिटरमाइन नहीं हो सकता। इसको करोगे तो आंसर इनफाइनाइट तक आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन इसका आंसर, कि एंडेड ही नहीं होगा। जीरो कितनी बार ले जाएंगे, हमेशा टू ही आएगा रिमाइंडर में। तो किसी भी नंबर को अगर हम टू से डिवाइड करते हैं तो वह उसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते। ये अपनी बात नोट कर लीजिएगा, नॉट डिफाइन आता है। फिर जीरो इज डिवाइडेड बाई अ होल नंबर, अगर यहाँ तो डिवाइडिंग बाई जीरो, बट अगर किसी जीरो को हम डिवाइड करें किसी होल नंबर से, मान लीजिए टू से, तो इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। तो ये प्रॉपर्टी है कि जीरो डिवाइडेड बाई अ होल नंबर, अगर जीरो किसी होल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर जीरो आएगा। बट कभी किसी होल नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टी बता दी। अब प्रॉपर्टी ऑफ वन समझ लीजिए, कि किसी भी होल नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर वही नंबर आता है जो नंबर दिया गया होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रॉपर्टी। अब डिवीजन एल्गोरिदम हमने पढ़ा, तो डिवीजन एल्गोरिदम का हम मेन फंडा आपको बता दें, वही आपको बस पढ़ना है और वही आपको सॉल्व भी करना है इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम डिपेंड है, क्या होता है हमारा, अगर ये ऐसे आपको बनाया जाता है, डिवाइड करते थे आप छोटे, तो यहाँ पर क्या होता है डिविडेंड, ये क्या होता है पोर्शन, और यहाँ पर क्या होता है डिविजन, और नीचे क्या बढ़ता है। ठीक है, तो इसका एक लॉजिक है वो देखिए कैसे करते हैं। डिविजन हमको इन तीनों से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या कैसे आता है वो पेज नंबर आप 35 का ये जरा देखिए, डिविजन डिविडेंड एंड रिमाइंडर, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करते हैं, बाद में रिमाइंडर मिलता है, और यहाँ पर होता है क्वेश्चन पूरा लिख दिया। अब इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, डिविडेंड हमको क्या फाइंड करना होता है, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही आंसर। कोई भी नंबर दिया जाए डिविडेंड, तो डिविजर में कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें एंड रिमाइंडर को ऐड कर दें तो क्या कहलाता है उनका, यही है डिविजन एल्गोरिदम। याद रखिएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डी क्यू आर, इसको हम बोलते हैं डी क्यू प्लस आर, मतलब डिवाइजर एंड कोशेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर जो है वो ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द वैल्यू, आपसे डिवाइड करने के लिए बस पूछा कि आप डिवाइड करिए आंसर क्या आएगा बताइए। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखता हूँ, 5217 डिवाइड करना 1 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर ही आएगा, पहले 5 टाइम जाएंगे ये कट जाएगा, फिर आएगा 2 टाइम जाएंगे 2 चला जाएगा, फिर आएगा 1 टाइम जाएंगे 1 कट जाएंगे, फिर आया 7 टाइम जाएंगे। तो देखिए अब आपका हमने जो नंबर से वन से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर वन आएगा, जो कि हमने प्रॉपर्टी आपको बता दी। क्लियर, अब इसी तरह से हमको डिवाइड करना है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास में, तो हम कैसे डिवाइड करना है। तो एग्जांपल नंबर आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग एंड ऑल्सो गिव देयर करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट।
ये आपको बताना है कि कैसे हम डिवाइड करें और कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आए, मतलब जो हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ये वाला, डिविजन डिविडेंड इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई प्लस आर, ये भी वेरीफाई करना। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ उसमें, आप देखिए, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर 5737 5737 479 को अगर हमको डिवाइड करना हो 68 से, ठीक है, तो कितनी टाइम ले जाएंगे पहली बार में 57 68 से छोटा, तो वे डिजिट और ले लेंगे 53 537 को डिवाइड करना, कितनी टाइम जाएगा 68 से 8 टाइम, 8 में मल्टीप्लाई करें 8 8 64 8 6 48 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताइए 54, डिवाइड कर दीजिए क्या आएगा आंसर, माइनस करेंगे 30 - 4 कितना होता 9 एंड 6 - 4 2 5 - 5 29, यहाँ पर आ गया आपका 7 297 297 है आपका। यहाँ से चेक करेंगे हम 68 का मल्टीपल कितनी टाइम जाएगा, तो 68 का मल्टीपल हम कितनी टाइम जा सकते हैं 290 है, मतलब अप्रॉक्स 300 तक, तो 4 टाइम लेके चलेंगे 4 8 32 4 6 24 3 27, यहाँ से 7 - 2 5 एंड 9 - 7 2 एंड ये कैंसिल, फिर आपका आया 4 से डिवाइड करेंगे 254 कितनी टाइम जाएगा आप बताइए 254, अगर मैं 4 टाइम ले जाता हूँ तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा, कितनी टाइम ले जा सकते हैं हम 3 टाइम, क्योंकि 4 टाइम ले गए थे तो 272 आया था, जस्ट उससे कम चाहिए, तो 3 8 = 24 3 8 = 24 3 6 = 18 18 और 2 20, अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 एंड 5, अब हम 7 नीचे ले जाएंगे मतलब 7 यहाँ आ जाएगा 507 टाइम, कितनी टाइम जाएगा ये 8 टाइम ले गए थे हम तो 544 आया था, उससे कम चाहिए तो हम 7 टाइम लेके चलेंगे 7 8 = 56 और 7 6 = 42 42 + 5 47 1, यहाँ 10 - 7 3 तो 31 आया, अब उसके बाद 9 बचा हमारे पास तो 9, अब 319 कितनी टाइम में जाएगा देखिए 4 टाइम ले गए थे 270 5 टाइम लेके चले जा रहे हैं 3 5 6 5 30 नहीं तो आपका जाएगा 4 टाइम 5 टाइम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम ले जाएंगे कितना आ जाएगा ये 4 टाइम ले गए थे 272 आया था 270 माइनस करेंगे 9 - 2 7 9 - 2 7 1 - 7 होगा नहीं 11 - 7 4 यहाँ पर 2 - 2 कैंसिल तो आपका जो रिमाइंडर आया वो है 47 ये आपको क्या कहलाएगा क्वेश्चन कहलाएगा और ये डिवाइजर कहलाएगा अब इसको हम इन दोनों मल्टीप्लाई करें वो ऐड करें तो हमारा ये आना चाहिए ये चेक करेंगे तो अगर आप चाहें तो पेज नंबर 30 पेज आपका है पेज नंबर 35 उसमें देखिएगा ये सॉल्व करके दिखाया गया है वहाँ पे आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा तो इसी तरह आपको फैक्टर भी चेक करने हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की आप पहले सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करके उसका चेक भी करेंगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड डिवाइड द चेक द रिजल्ट तो इसको भी चेक करना है आपको डिवाइड करना है 6 एंड 5 आपको दोनों एक ही जैसे करने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब डिवाइड एंड चेक द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम तो इसमें भी सेम वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस मल्टी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करके पहले कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे और आपका जो फिफ्थ है वो कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग एंड ऑल्सो गिव देयर करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कितनी टाइम में आ रहा है प्लस उसका रिमाइंडर तो सेम दोनों चीज़ें एक ही हैं एक ही चीज़ आपको करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें तो आपकी जो एक्सरसाइज थी ये कौन सी एक्सरसाइज है 2.3 इज कम्प्लीट नाउ अब आपको इसके सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में तैयार करके रखने हैं आगे की क्लासेस में हम कल पढ़ेंगे 2. पैटर्न्स ऑफ द नंबर जो कि लास्ट एक्सरसाइज है 2.4 ये हम कल पढ़ेंगे ओके थैंक यू क्लास